नमस्कार। आज हम ऑनलाइन JEE DTS 2021 फर्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा माई सेल्फ पंजनी कुमार उत्तम। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सेक्शन ए। ए पार्टिकल पी इज इनिशियली एट ए डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 60 मीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ। द पार्टिकल पी मूव्स विद द वेलोसिटी वी वेक्टर 5 पी ओ कैप एंड 3 आई कैप। वी हैव पी ओ कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, पी ओ कैप इज ए यूनिट वेक्टर from P to O at any instant t. Initially, PO cap is perpendicular to I cap. Okay, find the time in seconds after which particle P meets points O. Okay, okay बेटा, तो इसको देखते हैं अपन। तो initially point O यहां पर है बेटा और particle यहां पर है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली देखा जाए तो 3 आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन अगर अपन इसको कंसीडर कर लें तो 3 आई कैप तो फिक्स है इसके पास, और 5 पीओ कैप। पीओ कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पी टू ओ डायरेक्शन, राइट? दिस इज 5 पीओ कैप। बट जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो इसका जो ओपी जो पोजिशन है वो लगातार चेंज होगी। मान लीजिए पार्टिकल इस इंस्टेंट पर यहां पे पहुंच जाता है, करेक्ट? तो इस पोजीशन पर पार्टिकल का अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर अपन देखें तो 5 पीओ कैप इस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस तरफ, ठीक है? 5 पीओ कैप एंड 3 आई कैप एक्स डायरेक्शन में रहेगा, है ना? 3 आई कैप एक्स डायरेक्शन में रहेगा। तो PO कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो यूनिट वेक्टर है, और ये जो इनिशियल डिस्टेंस थी अपन को जो है वो 16 मीटर गिवन, इनिशियल डिस्टेंस, राइट? ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज 16 मीटर, राइट? तो देखो बेटा, 5 PO कैप जो है ऑलवेज जो है वो टुवर्ड्स O होगा, 3 I कैप जो है वो इस डायरेक्शन में है। अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर थीटा कंसीडर करूं यहां पर, तो 3 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? 3 cos थीटा, ठीक है? तो 3 cos थीटा जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, और 5 PO कैप मैग्नीट्यूड इज 5 टुवर्ड्स O है। तो टुवर्ड्स O जो वेलोसिटी आई इसके पास, इसको आप स्पीड या वेलोसिटी टुवर्ड्स सेंटर बोल सकते हो, दैट इज 5 माइनस 3 cos थीटा, that is 5 minus 3 cos theta, okay? This is the velocity towards O, and theta is varying, that means velocity is also varying. So velocity vary कर रही है बेटा, तो अपन अगर यहाँ v लिखें तो v को मैं simply लिख सकता हूँ dl by dt. Let's say this distance is L, okay? This distance is L, then dl by dt इसको मैं represent कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एंड dt को बेटा आगे इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 dt माइनस 3 cos थीटा dt, राइट, इज इक्वल टू dl, है ना? वैसे हिसाब से देखा जाए तो माइनस आएगा साइन, क्यों? क्योंकि यहां पर l डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस ऑफ dl / dt इक्वल्स टू 5 - 3 cos थीटा, देन माइनस ऑफ dl इक्वल्स टू 5 dt - 3 cos थीटा dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, ठीक है? तो अगर आप इनिशियली देखो यहां पर भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से, तो t equals to 0 पर देखा जाए तो पार्टिकल यहां पे था, तो t equals to 0 पे जो l की जो वैल्यू है वो 16 है, और उस टाइम t के बाद में जो l हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा ऊपर, ये स्पाइरल हो सकता है ऐसे घूमते हुए आए, तो कुछ टाइम बाद में l की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और ये टाइम हो गया t, यहां पे भी टाइम आ गया t, तो 5 dt का इंटीग्रेशन आ गया 5 t माइनस 3 इंटीग्रेशन cos थीटा dt 0 to t, और यहां पर ये आ जाएगा माइनस ऑफ dl, माइनस ऑफ dl की बात करें तो माइनस ऑफ l आ जाएगा, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 16, तो यहां पर ये वैल्यू 16 आ जाएगी। तो दिस इज इक्वेशन 1। हमें टाइम फाइंड करना है, लेकिन यहां पर cos थीटा dt का जो पार्ट है बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको सॉल्व कैसे करें अपन, ठीक है? तो देखते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा 5 जो है जो इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है यहां पर, है ना, ये वेलोसिटी
5 मैग्नीट्यूड की है, राइट, इस तरफ है। अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं तो x डायरेक्शन बेटा इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है 3, ये 5 टुवर्ड सेंटर है, ये वाला एंगल थीटा है आपके पास, है ना, दैट मींस दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो 5 का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो आ जाएगा 5 cos थीटा। तो आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन x डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो 5 cos थीटा माइनस 3 है, 5 cos थीटा माइनस 3 है। तो अल्टीमेटली पॉइंट P जो है O पे आएगा, इसका मतलब x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका इन x डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा लास्ट में जाकर के। शुरू में कितना था वो भी 0 था, शुरू में अगर देखें तो भी x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, और जब घूम करके इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री ऐसे ड्रॉ करूं कुछ इस टाइप से, ठीक है ऐसे मान लेते हैं चलो, तो अल्टीमेटली जो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो 0 हो जाएगा। तो बेटा x डायरेक्शन की अगर अपन बात करें यहां पर, तो आप ये देखें इन x डायरेक्शन वेलोसिटी इज 5 cos थीटा माइनस 3, राइट, एंड विच इज इक्वल टू अगेन dx by dt, ओके, dx by dt, इस dt को इधर ले जाइए आप, 5 cos थीटा dt माइनस 3 dt, राइट, एंड इधर की तरफ आ जाएगा dx केवल, तो बराबर यहां लिख देता हूं मैं dx, और इंटीग्रेट अगर आप करोगे बेटा इस पार्ट को, तो अगेन इनिशियली देखा जाए तो x की वैल्यू 0 थी, एंड फाइनली जब वापस यहां पे मीट कर जाएगा तो भी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पर देखें बेटा t बराबर 0 इनिशियल लिमिट एंड t बराबर t फाइनल लिमिट, तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा, और यहां से इक्वेशन हमारे पास कौन सी आएगी, देखिए 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, cos थीटा dt 0 टू t, एंड यहां आ जाएगा माइनस 3 dt, तो इसका आ जाएगा 3t एंड इक्वल्स टू 0, राइट। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5, ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, हेलस्टोन्स फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हिट द विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ मूविंग कार एंड द रीबाउंड इलास्टिकली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इफ द ड्राइवर फाइंड्स द हेलस्टोन्स रीबाउंड वर्टिकली फ्रॉम आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो जो हेलस्टोन्स है ना वो वर्टिकली फॉल हो रहे हैं, मतलब उनकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये अपन को गिवन है। इसका मतलब हेलस्टोन का जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ हेलस्टोन वीएच लिख देता हूं इसको, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, ये वीएच वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और गाड़ी चल रही है और गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर है, हेलस्टोन आते हैं गाड़ी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ये ऑब्जर्व करता है कि जो हेलस्टोन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कह दो या आफ्टर कोलिजन कह दो वो वर्टिकली ऊपर उछलते हैं रिबाउंड, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए कि ये मैंने विंड स्क्रीन कंसीडर कर ली, ठीक है, और ये वाला एंगल सपोज आपको दे रखा है 30 डिग्री है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है गाड़ी का जो गाड़ी के अंदर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हेलस्टोन है बेटा वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जंप कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। और कोलिजन कैसी है, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में एक खास बात होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब हेलस्टोन डेफिनेटली विद रेस्पेक्ट टू कार हेलस्टोन ऐसे आ रहे होंगे, और ये दोनों एंगल बेटा पक्का इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल आप मेजर कर सकते हो, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये 30 ये 90 दैट इज 60 डिग्री एंड इफ दिस इज 60 डिग्री दैट मींस दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, तो ये वाला 30 आ गया तो ये वाला भी 30 होना चाहिए फिर, तो इसका मतलब जो हेलस्टोन है उनकी कार के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी बेटा वो इस तरफ होगी, तभी आफ्टर कोलिजन वो हेलस्टोन जो है वो वर्टिकली ऊपर उछल जाएंगे। तो मतलब हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर आ गया इस तरफ, ये वेलोसिटी वेक्टर किसका है, हेलस्टोन का, किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में, दिस इज वीएचसी वेक्टर, ओके इस डायरेक्शन में। और अगर आप ये गौर से देखें तो ये वाला एंगल 30 है, अच्छा ये 30 ये 30 तो ये वाला एंगल 60 आना चाहिए, है ना, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे बेटा, तो ये पूरा 60 है और ये देखो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल, दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देखो
और हमको कार की वेलोसिटी पूछी है, कार की वेलोसिटी कितनी होगी, तो vxc डेफिनेटली इस तरफ होगा, इस एरो को मैं ड्रॉ कर देता हूं, एंड vxc वेक्टर इज इक्वल टू vh वेक्टर माइनस vc वेक्टर, दैट मींस बेटा vh वेक्टर जो है यहां पर वो vxc और vc वेक्टर का वेक्टर सम होना चाहिए, गाड़ी जो है वो यू जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना vxc और vc का वो vh होना चाहिए, और vh जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आपको ट्रायंगल सेट करना है इसमें, देखो तो vh इज डाउनवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, एंड vxc जो है वो इस तरफ है बेटा, इस डायरेक्शन में, राइट, इस तरफ है, तो vxc इज अलोंग दिस साइड, करेक्ट, एंड vc जो कार की जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली इस तरफ होगी, दिस इज vc, और हमें vc का मैग्नीट्यूड पूछा है। अच्छा ये बताइए, ये एंगल 30 डिग्री है ना vxc का हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री बेटा, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30 आएगा, अब जब 30 है ये vh है और इसका मैग्नीट्यूड आपको 10 गिवन है, राइट, दिस इज 10, तो ये बताइए इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो या 10 का फॉर्मूला लगा सकते हो, 10 30 इक्वल्स टू 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड बेस इज vc, 10 30 इज 1 बाय रूट 3, देन vc जो है वो 10 रूट 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ए लार्ज बॉक्स इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a = g, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड बॉक्स विद वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम बॉक्स पेन, ओके, फॉर द गिवन u द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इनसाइड द बॉक्स विल बी मैक्सिमम इज, मतलब हमें इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में रेंज फाइंड करनी है और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी बेटा, और u जो है वो इस बॉक्स के रिलेटिवली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, तो चलो देखते हैं अपन इसको कैसे करना, और a की वैल्यू g के बराबर है, ध्यान रखना बॉक्स का एक्सेलरेशन g के इक्वल है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, देखो बेटा विद रेस्पेक्ट टू कार्ट या बॉक्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, एंगल इज थीटा, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, जी है ही, और एक बॉक्स का एक्सेलरेशन खुद का भी है जी इस तरफ, तो रिलेटिव टू बॉक्स उस ऑब्जेक्ट का या उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, रिलेटिव टू बॉक्स वो किस तरफ आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जी माइनस जी कह सकते हो आप इसको, ये माइनस जी हो गया, ये भी माइनस जी, अगर मैं ऊपर की ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूं तो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली बॉक्स के रिलेटिवली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन बढ़ा, दोनों के दोनों माइनस जी के इक्वल है, तो यहां से कुछ ट्रेजेक्ट्री इसकी कुछ इस टाइप की होगी और रेंज हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अब आप ये देखें यहां पर कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर कितना आएगा, यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो यू साइन थीटा, सबसे पहले अपन को रेंज फाइंड करना है, तो आप ये देखें कि जो पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टी टी कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, एंड यू वाई इज यू साइन थीटा टी, ए वाई इज माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाई टू इंटू में टी स्क्वायर, यहां से टी की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा तो वैल्यू वही आएगी सेम टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट से अपन को रेंज फाइंड करनी है, अब रेंज कैसे आएगी, देखो रेंज रेंज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो रेंज जो है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर अपन बात करें तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच इज आर, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इनटू टी, एंड ए एक्स इज माइनस जी into t square, right? Then r is equal to u cos theta into t. T की value कितनी है कि बेटा 2u sin theta by g minus half g into t square. Again t square करोगे तो 4u square sin square theta by g square. ठीक है, तो ये value हमने यहाँ पर लिख दी है. उसके बाद में अगर r को calculate करें बेटा देखो यहाँ पर आ जाएगा 2u square sin theta cos theta. By g minus, इस तरफ देखें तो g से g ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये 2 से 2 भी उड़ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g. दिस इज द रेंज है ना ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज हमने कैलकुलेट कर ली है. अब मुझे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और वो भी गिवन u के लिए. मतलब u की वैल्यू फिक्स है बेटा, u इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, बट थीटा कैन बी वेरी. ओके, तो थीटा को आप वेरी कर सकते हो. तो r की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है बेटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में r को डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा. तो बेटा यहां पर देखो आप, 2u स्क्वायर / g तो कांस्टेंट है, और वैसे भी 2 को एक काम कर सकते हो आप, 2 को बाहर ले आओ, 2 को इसको इंक्लूड कर दो इसके अंदर. 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा बोल सकते हैं हम. तो u स्क्वायर / g तो बाहर आ गया, u स्क्वायर / g बाहर आ जाएगा, और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. फिर माइनस यहां पे देखिए 2 u स्क्वायर / g बाहर आ गया, sin स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 इनटू में यहां पर वैल्यू कितनी है बेटा, sin थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा, और इनटू के अंदर फिर sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा डिफरेंशिएशन. ठीक है, और इसको किसके बराबर रखना है, अपन को 0 के बराबर रखना है. देखो 2 u स्क्वायर / g हट जाएगा ये, और यहां से cos 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब sin 2 थीटा. sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, मतलब tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1, 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, देन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 8. इसका आंसर आ जाएगा बेटा पाई बाय 8, ये आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन. A particle starts from rest, its acceleration a versus time t is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. देखो बेटा 80 curve दे रखा है आपको, और 80 curve का जो area होगा ना वो change in velocity होता है. तो change in velocity delta v is integration of a dt. कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 0 से 11 तक, 0 से 11 तक. Integration बोले तो area under the curve, area find करो बेटा. तो ये triangle बन रहा है simple 1 by 2 into 10 into 11. ये कितना आ गया, 55 आ गया. तो delta v जो change in velocity, और ये कह रहा है कि पार्टिकल इनिशियली मतलब विरामावस्था में था, या पार्टिकल जो है वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है. तो डेल्टा वी के अंदर वी माइनस जीरो आएगा ना, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55, दैट इज मैक्सिमम स्पीड. ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है. हाँ, डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वेलोसिटी उसकी इंक्रीज ही होगी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए या एरिया फाइंड कर लीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा और वहां से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो बेटा. तो आंसर आ जाएगा 55. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा. ओके, चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्लोज सरफेस. ओके, तो एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज Q1 रख दिया, एक चार्ज Q2 रख दिया आउटसाइड. लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S एंड B the flux of phi over s. ठीक है, तो किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एंड इस पूरी सरफेस जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स है phi. अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन, इफ Q1 चेंजेस, Q1 को अगर आप चेंज करो, बोथ E एंड phi विल नॉट चेंज. कैसा होगा, नहीं. देखो अगर आपने Q1 को चेंज किया, तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, Q2 का भी होगा. तो अगर आपने Q1 को चेंज किया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंजेस आएंगे. और फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स में अपन को पता है कि सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसी को इंक्लूड करते हैं अपन. तो फ्लक्स कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, Q1 पर. फ्लक्स कंप्लीटली Q1 पे डिपेंड करेगा. और जो E है ना, E बेटा Q1 एंड Q2 दोनों पे डिपेंड करेगा. E जो है Q1 पे भी डिपेंड करेगा और Q2 पे भी डिपेंड करेगा. करेक्ट, तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट पहले वाला. सेकंड देखो, इफ Q2 चेंजेस, Q2 को अगर आप चेंज करो, E विल चेंज बट phi विल नॉट चेंज. डेफिनेटली अगर आप Q2 को चेंज करते हो तो E चेंज होगा, क्योंकि E इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है. बट phi विल नॉट चेंज, phi चेंज नहीं होगा, क्योंकि phi जो है केवल और केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा. अंदर वाले चार्ज को अपन डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, इसका मतलब phi की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला बेटा. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. A particle starts from the origin of a coordinate system at t equals to 0 and moves in the xy plane with a constant acceleration alpha in the y direction. Okay? तो मतलब एक particle है जो कि एक xy plane में move कर रहा है. Okay? और xy plane में move कर रहा है, और इसके पास एक constant acceleration है जो कि y direction में, constant acceleration. ठीक है? Its equation of motion is y equals to beta x square.
ठीक है, y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर देखा जाए बेटा तो पैराबोलिक है, तो ऐसा कुछ पाथ बनेगा इसका। इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज, तो ये कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है बेटा, एक्सेलरेशन केवल वाई डायरेक्शन में एक्जिस्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं यहां पर। और हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो क्या आएगा, dy / dt इज इक्वल टू 2 बीटा एक्स dxy dt आ गया। dy / dt इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 2 बीटा एक्स dxy dt इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आ गया अपने पास। ठीक है, फर्दर अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं इसको तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो dy / dt, dy / dt इज ay is equal to 2 beta vx। अच्छा, vx को मैंने कांस्टेंट अज्यूम किया, क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, तो vx कांस्टेंट रहेगा, तो vx का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो vx ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इनटू में dx / dt, इनटू में dx / dt करोगे तो vx फिर आ गया। एंड हियर ay इज अ अल्फा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज अल्फा बेटा, ये अल्फा है, तो दिस इज अल्फा 2 बीटा vx स्क्वायर, देन vx इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 बीटा का अंडर रूट, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ओके, तो ये पैसेज आ गया, टू डायपोल्स ऑफ ए डायपोल मोमेंट p i कैप एंड रूट 3 p j कैप आर प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहां पे डायग्राम में देख सकते हो p i कैप रूट 3 p j कैप है, ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट ओरिजिन इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, सर्कल बना दिया। अब आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर द पोटेंशियल इज मैक्सिमम आर, अपन को मालूम है कि कोई भी डायपोल होता है डायपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है ना, ये हमें मालूम है यहां पर अच्छे से, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो देखो एक चीज देखो, पी आई कैप पी जे कैप रूट 3 पी जे कैप है, तो अगर इन दोनों डायपोल्स को देखें अपन, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज रूट 3 पी एंड दिस इज अ पी, तो आप ये बताएं कि दोनों जो डायपोल्स हैं उनका जो डायपोल मोमेंट है उनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, रिजल्टेंट की बात करें अपन, तो बेटा रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा और उस रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2p, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रूट 3p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का अंडर रूट 2p आ जाएगा। और अगर आपसे एंगल पूछे ये वाला एंगल, तो एंगल भी बता सकते हैं थीटा, तो अगर आप देखो एंगल बेटा यहाँ पे tan theta equals to आ जाएगा perpendicular by base, perpendicular is root 3p, base is p, तो tan theta is root 3 and root 3 means theta equals to 60 degree आ गया ना, तो ये कुछ dipole moment आ गया इसका, है ना। अब अपन से पूछा है electric जो potential है वो maximum कहाँ पे होगा, तो देखो इधर ये circle है, ठीक है, और ये circle का center है, तो पक्का जो इन दोनों का जो dipole moment है वो इधर की तरफ है, equivalent जो है, तो पक्का पक्का इसकी एक्सिस पर ही इसी पॉइंट पर ही पोटेंशियल मैक्सिमम माना चाहिए ना, इसी पॉइंट पे आएगा, और थीटा 60 डिग्री है, आप ये देखो दिस इज आर रेडियस आर, तो आप ये देखें कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो तो आ जाएगा आर कॉस 60, आर कॉस 60 मतलब आर बाई 2, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आर साइन 60, आर साइन 60 इज आर रूट 3 बाई 2, राइट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और यही पॉइंट अपन से पूछा है बेटा, तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है बेटा, देन फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, तो r / 2 एंड √3 r / 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, देखो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस, ये कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, ये तो k है, ये 4p है, 4p को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 2p, और 2p अपन को पता है कि डायपोल मोमेंट है इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट, 2p आ गया अपॉन में r क्यूब है, तो हमको मालूम है 2kp अपॉन r क्यूब वाला जो फार्मूला लगता है वो उसकी एक्सिस के लिए ही डिफाइंड होता है, ये हमें मालूम है अच्छे से, एक्सिस के लिए डिफाइंड होता है बेटा, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन नहीं फाइंड कर सकते, जरूर कर सकते हैं, एक्सिस मतलब बोले तो यही पॉइंट आ गया ना, यही पॉइंट आ गया, इसका मतलब पॉइंट कौन सा आ गया फिर, फाइनल आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया आगे, ठीक है, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा r / 2 कॉमा √3 r / 2, राइट बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
Next question again passes. An accelerator produces a narrow beam of proton, each having an initial speed V naught. The beam is directed towards an initially uncharged distant metal sphere of radius capital R. एक sphere है R radius का और ये uncharged है metal sphere है और एक beam आ रही है proton beam इस तरफ और distance R by 2 है axis से. ठीक है, and centered at point O. The initial path of the beam is parallel to the axis of sphere at distance R by 2 from the axis indicated in the diagram. The protons in the beam that collide with the sphere will cause it to become charged. Okay. तो प्रोटॉन बीम्स आएंगी और ये इससे भिड़ेंगी, कॉलिजन करेंगी और इसको चार्ज कर देंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, बिकम चार्ज. द सबसिक्वेंट पोटेंशियल फील्ड एट द एक्सेलरेटर ड्यू टू द स्फीयर कैन बी नेग्लेक्टेड. ओके, तो जो एक्सेलरेटर यहां पर लगा रखा है उसके कारण यहां पर इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी कंजर्व्ड अबाउट ओ. एंगुलर मोमेंटम जो है इन प्रोटॉन्स का वो ओ के अबाउट कंजर्व्ड है. ओके, अज्यूम दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन इज एम पी एंड द चार्ज ऑन इट इज ई, नेग्लेक्ट एनी इंडक्शन इफेक्ट. Given that the potential of sphere increases with time and eventually reaches a constant value. ठीक है, चलिए next देखते हैं इसमें पूछा क्या है. The total energy E of a proton in the beam traveling with speed V at a distance r, r is greater than or equal to capital R from the point O, assuming the sphere has acquired an electrostatic charge Q. Okay, चलो देखते हैं. तो बेटा ये sphere है, इस स्फीयर पे प्रोटॉन जो बीम्स आ रही हैं उन बीम के कारण इस पे चार्ज आ गया. ठीक है, ये सरफेस पे चार्ज है, सेंटर यहां पर है और ये एक्सिस है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है काफी डिस्टेंस से आपने इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉन्च किया बेटा. ठीक है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, ये प्रोटॉन बीम है. प्रोटॉन बीम का एक प्रोटॉन मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मान लीजिए बेटा यहां पर इसकी स्पीड जो थी, इनिशियल स्पीड जो थी वो वी नॉट थी. ठीक है, और ये प्रोटॉन बीम आ रही है यहां पर, यहां तक आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, सीधी सी बात है. तो अगर इसके सेंटर से डिस्टेंस यहां पे r है और इस पे चार्ज अगर q आ गया तो बताइए इस q चार्ज के स्फीयर के कारण यहां पर इस बीम की इलेक्ट्रॉन के सॉरी प्रोटॉन बीम के एक प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी. k q1 q2 / r, मतलब k बोले तो 1 / 4 pi epsilon naught चार्ज e चार्ज q / capital r, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहां पर. उसके अलावा इसके पास स्पीड भी होगी, कुछ ना कुछ होगी ना, स्पीड होगी. दैट मींस इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी यहां पर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम पी है हाफ एम पी वी स्क्वायर, यहां पे स्पीड भी है. तो ये कह रहा है कि बताइए टोटल एनर्जी कितनी होगी. तो टोटल एनर्जी डेफिनेटली इस क्वांटिटी से ज्यादा होगी ना, ग्रेटर देन दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा. After a long time when potential of sphere reaches a constant value, the trajectory of proton is correctly sketched as. ठीक है, तो एक चीज गौर करें यहां पर बेटा. देखो यहां से ये पार्टिकल आपने लॉन्च किया r by 2 से, इस पे चार्ज आ जाएगा. तो जब चार्ज आएगा तो चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा ना, पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा बेटा. ये चार्ज जो है ये पार्टिकल यूं आ रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है और पार्टिकल मान लीजिए यूं आए तो इसमें फोर्स इधर लगाएगा ना ये, तो इसकी ट्रेजेक्टरी जो यूं चेंज होगी ना, देखो ऐसे करके यूं इस टाइप से है ना. लेकिन ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसको भी चार्ज कर रहा है लगातार, इस गोले को भी चार्ज कर रहा है. ठीक है, गोले को भी चार्ज करेगा. तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब चार्जिंग बंद हो जाएगी, और चार्जिंग जब बंद हो जाएगी ना तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोटॉन बीम है ना, प्रोटॉन जो भी आएगा ना वो यू एकदम ग्रेजुअली, मतलब आप ये कह सकते या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इसका रिफ्लेक्शन होगा एक तरीके से, यू इसको टच करते हुए निकल जाएगा ये. ठीक है, इस टाइप से फिर फर्दर इसमें चार्ज नहीं आएगा है ना, ये चार्ज नहीं होगा स्फीयर. तो इसकी प्रोजेक्टरी कौन सी पॉसिबल है, फोर्थ वाली, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बेटा, यू जाएगा. अगर ये नहीं होता ना, इसमें फर्स्ट या सेकेंड वाला होता तो उसके इसमें चार्ज हो रहा होता, लेकिन ये कह रहा है कि जब फुली चार्ज हो जाएगा, जब चार्ज हो जाएगा इसका मतलब इसके फर्दर कोई चार्ज नहीं आएगा, फिर ये इस तरीके से स्पेसिस में इससे निकल जाएगा. क्योंकि वैसे तो रिपल्शन हो ही रहा है, रिपल्शन हो ही रहा है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस तरफ से यूं डेविएट हो जाएगी बेटा. तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वंस द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर हैज रीच्ड इट्स फाइनल कांस्टेंट वैल्यू, द मिनिमम स्पीड वी ऑफ ए प्रोटॉन अलोंग इट्स ट्रेजेक्ट्री पाथ इज गिवन बाय. ओके, तो ये चार्ज स्फीयर था, इनिशियली प्रोटॉन की जो स्पीड है वो वी नॉट है, डिस्टेंस इज r/2, एंड फाइनली जब ये बेटा यू इसको
यहां से डेविएट होगा इस पोजीशन से, इसके पास स्पीड उस समय कम से कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास अभी तो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे से पास आएगा काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, और यहां पर स्पीड मिनिमम होगी क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पे मिनिमम स्पीड होगी बेटा। और उस केस में रेडियस ये आर हो जाएगी डिस्टेंस, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो इनिशियल अगर एंगुलर मोमेंटम ओ के रेस्पेक्ट में देखें बेटा प्रोटॉन बीम का, तो कितना आएगा एम वी नॉट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज एम वी नॉट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज आर बाई टू, एंड एट दिस पोजिशन लीनियर मोमेंटम इज एम वी एंड डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ठीक है, डिस्टेंस इज कैपिटल आर, देन एम 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 और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा वी नॉट बाय टू, आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द लिमिटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज, गोले का सीमांत वैद्युत विभव का मान क्या होगा, मतलब उस समय पूछा है जब ये इससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जब ये प्रोटोन इसे स्ट्राइक नहीं करेगा, फर्दर चार्जिंग नहीं होगी, तो उस केस में इस पे पोटेंशियल पूछा है, स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, कैसे, देखो इनिशियली देखा जाए तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के पास एनर्जी कितनी है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैं इक्वेशन ये लिख सकता हूं, हाफ एम नॉट या एम पी है ये, हाफ एम पी वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि बहुत हाई डिस्टेंस पे था या ज्यादा डिस्टेंस पे था, इज इक्वल टू, जब भी प्रोटॉन यहां आएगा तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम पी वी स्क्वायर, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हुई प्रोटॉन के पास, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज E है, पोटेंशियल इसका V है सरफेस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q into V, मतलब E into V, V नॉट मान लेते हैं, चलो पोटेंशियल नहीं इसको ये इसने अच्छा V की वैल्यू पूछी है अपने से, इसको अपन लिख देते हैं E, कैपिटल V लिख देते हैं, ठीक है। तो ये V की वैल्यू आपसे पूछी, एंड V इक्वल्स टू बेटा V नॉट बाई टू है, V की वैल्यू V नॉट बाई टू रख दोगे तो यहां से आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी, और वो V की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इससे आप सॉल्व कर लोगे, V की वैल्यू V नॉट बाई टू, स्क्वेयरिंग करके रख देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, सेक्शन B, ओके। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन आप a by b 1 minus e to the power minus bt, क्या पूछा देखते हैं, at t equals to 1 by b the displacement of particle is a by b e minus 1 by e, this is the displacement, और हमसे पूछा है कि t बराबर 1 by b पे displacement कितना है, तो बेटा t की वैल्यू रख दीजिए आप, x बराबर a by b bracket 1 minus e to the power minus b, and t की वैल्यू 1 by b है, 1 by b रख दोगे आप, ये कट गया, ये minus 1 आ गया, और e की power minus 1 है, e की पावर माइनस वन को लिख सकता हूं 1 बाई बी, इसको सॉल्व करोगे सॉरी 1 बाई ई आ जाएगा, तो ये e माइनस 1 बाई ई, e माइनस 1 बाई ई, a बाई बी मल्टीप्लाई के अंदर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। सेकंड चलो, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 आर a एंड माइनस ab, मतलब आपको वेलोसिटी भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करें बेटा, तो देखो वेलोसिटी कितनी आएगी, एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, a बाई बी 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू द पावर माइनस bt का e टू द पावर माइनस bt एंड माइनस bt का फिर आ जाएगा माइनस b, तो फिर ये मल्टीप्लाई के अंदर प्लस b आ गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव v इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस bt, बेटा ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, एक्सेलरेशन को मैं a डैश लिख देता हूं, तो एक्सेलरेशन करो चलो, a e टू द पावर माइनस bt का e टू द पावर माइनस bt एंड माइनस bt का माइनस b मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस b मल्टीप्लाई में आ गया। देखो अब t बराबर 0 पे पूछा, t बराबर 0 इसमें रख दोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू v बराबर a के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू e की पावर माइनस 0 मतलब e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ab, मतलब ये दोनों सही है इसके t बराबर 0 पर, तो सेकंड बेटा करेक्ट हो गया। थर्ड पूछ रहा है, पार्टिकल कैन नॉट रीच ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इफ x नॉट इज ग्रेटर देन a / b, मतलब x नॉट एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू a / b से ज्यादा है, क्या वो ऐसा कंडीशन हो सकती है? देखो t की x की वैल्यू बेटा हमारे पास है a by b 1 minus e to the power minus bt, ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी है, जैसे मैं अगर यहां पे ये कहूं कि t की वैल्यू 0 रख दो, चलो 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो x की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 minus 0 आ जाएगी। और अगर मैं t की वैल्यू टेंड्स टू इनफिनिटी रख दूं, अगर मैं t की वैल्यू इनफिनिटी रखूं तो e टू द पावर ये माइनस इनफिनिटी आ गया, और e टू द पावर माइनस इनफिनिटी कितना हो जाएगा 0,
तो ये जीरो हो जाएगा, तो x की फिर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो a बाई बी हो सकती है, a बाई बी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पार्टिकल कैन नॉट रीच ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इफ x नॉट इज ग्रेटर देन a बाई बी, इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है, नहीं पहुंचेगा पार्टिकल कभी। फोर्थ क्या कह रहा है, द पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एज t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कह रहा है पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा इफ t टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टार्टिंग पॉइंट पर x 0 है एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर x इक्वल्स टू a बाई b है, क्या पहुंचेगा, नहीं। आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा, ये तीनों हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, टू स्मॉल बॉल्स a एंड b आर लॉन्च्ड इन द सेम वर्टिकल प्लेन साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल्स टू 0, बॉल a हैज एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी and the ball B has initial velocity at an angle theta above the line joining A and B as shown. If the projectiles collide in the air at equals to at time t, then अपन से correct option पूछा है इसके अंदर। बेटा देखो, अगर दो particles को आपने project किया है in air, तो दोनों का ground के respect में acceleration g है, तो relative acceleration zero हो गया। Relative acceleration zero का मतलब relative velocity constant, and relative velocity constant मतलब relatively जो path आता है वो straight line आएगा फिर। Velocity is vector quantity. And if relative velocity is constant, then path with respect to one projectile of second projectile will be straight line. सीधा होना चाहिए, straight line होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? पहले तो इसका diagram ये देख लीजिए, 100 है, ये 100 root 3 है बेटा, तो ये वाला angle आ जाएगा 10 theta equals to 1 by root 3, मतलब 30 degree आ गया ये वाला angle. और ये distance की बात करें अपन, तो ये distance बेटा आ जाएगी 100 का square और 100 root 3 का square, तो ये distance आ जाएगी 200 meter. 20 एंड 20 थीटा एंगल पर, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो ओके, तो ये डायग्राम है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 20 और ये वाला एंगल 30 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इसके जो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा बेटा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दिस इज 20 cos 30, राइट, 20 cos 30, 30 है ना ये, 20 cos 30 कितना आ जाएगा, 20 into root 3 by 2, मतलब 10 root 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30 मतलब 10 आ जाएगी वैल्यू। और यहां पर जो पार्टिकल को आपने लॉन्च किया थीटा एंगल से लॉन्च किया, बता इसकी स्पीड भी 20 है, तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये थीटा एंगल है, तो दिस कंपोनेंट इज 20 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया 20 sin थीटा, ये दोनों कंपोनेंट्स अपन ने कंसीडर कर लिए। अब अगर ये वाले पार्टिकल दोनों आपस में कोलिजन करते हैं, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी बेटा उसी पार्टिकल की तरफ होनी चाहिए, तभी वो कोलिजन करेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल 2 की पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में उसी की तरफ होनी चाहिए, तब जाकर के वो कोलिजन करेगा, ठीक है। फॉर कोलिजन मैं ये कह सकता हूं कि एक के रेस्पेक्ट में ना 1 के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी है वो इधर ही आनी चाहिए, इसी तरफ आनी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अब अगर आप देखो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट 10 और इसका कंपोनेंट 20 sin थीटा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो रिलेटिव में ये दोनों सबट्रैक्ट होंगे तो जीरो हो जाएगा इस तरफ, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब 10 डेफिनेटली 20 sin थीटा के बराबर होना चाहिए। यहां से sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब जब थीटा 30 डिग्री आ चुका है, तो आप ये देखिए ये वाली जो वेलोसिटी 10 root 3 एंड दिस इज 20 cos थीटा, एंड 20 cos थीटा थीटा इज 30 डिग्री, तो cos 30 मतलब root 3 by 2, root 3 by 2 मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 10 root 3, तो ये वाली वैल्यू भी 10 root 3 और ये वाली वैल्यू भी 10 root 3, मतलब रिलेटिव जो स्पीड आई इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग वो आ जाएगी 20 root 3 रिलेटिव, क्योंकि अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, तो 20 root 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 10 by root 30, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, थीटा 30 डिग्री एंड 10 बाय रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं बेटा, ओके चलिए। ए पार्टिकल इनिशियली आई एट इक्वल्स टू 0 लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0, मतलब x बराबर 0 पर वो लोकेटेड है, मूव्स अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज x एज x v इक्वल्स टू k अंडर रूट x, तो इसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेट होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे रिलेट होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी और कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, ये चीजें हमसे पूछी हैं, ठीक है। तो प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है बेटा ये, चलो देखते हैं। तो वी की वैल्यू के रूट एक्स है यहां पर,
और v बेटा वेरी कर रहा है तो v को लिख सकता हूं, और x के अलोंग भी है तो v बराबर dx by dt k root x, तो dx by root x is equal to k dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन। t बराबर 0 पर जो पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो x बराबर 0 है, x की इनिशियल लिमिट 0, t बराबर t पर x की वैल्यू x कंसीडर कर लेते हैं, 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन जो है वो 2 √x आ जाएगा, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, तो केवल यही बचेगा और k कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा बेटा। इसका स्क्वेयरिंग कर दें अपन तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है k स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, दिस इज x। अगर मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, तो 2t आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 k 4 है हां k स्क्वायर t अपॉन में 2, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया बोलो k स्क्वायर बाय 2। ये देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये तीनों वैल्यू आ चुकी है, तो क्या ये मैच कर रही है? तो डिस्प्लेसमेंट मैच कर रहा है भाई, वेलोसिटी भी मैच कर रहा है, एक्सेलरेशन भी k स्क्वायर बाय 2 ये भी मैच कर रहा है, और कैपिटल t टाइम में पार्टिकल कितना चलेगा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो कैपिटल t t की जगह कैपिटल t रख दीजिए तो x की वैल्यू वही आ जाएगी सेम, है ना, क्योंकि t बराबर 0 पर तो x की वैल्यू 0 ही थी ना, तो t बराबर t पर जो x आएगा वही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब t की वैल्यू कैपिटल t रखेंगे अपन, तो इसके मतलब चारों के चार ऑप्शंस क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, a particle moves in a straight line with velocity v as shown in the figure at t equals to 0, x equals to minus 60 meter. t बराबर 0 पर particle का जो x coordinate है वो minus 60 meter बेटा। पूछा क्या, the maximum value of the position coordinate of the particle is 54 meter. तो 54 meter है particle का the maximum value of position coordinate. Okay. अच्छा इसकी position बतानी है अपन को, और maximum value क्या होगी इसकी? ठीक है। अब आप इस graph को देखिए। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है बेटा, तो अगर आप इसका एरिया देखें, देखो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और ऊपर वाला जो एरिया वो पॉजिटिव में आता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव में आता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले का नेगेटिव आएगा, तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के अंदर वो क्या होना चाहिए, तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिंपली is equals to x2 minus x1, है ना, और displacement ये जितना ज्यादा होगा ना x2 की value उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि x1 तो हमको given है already minus 16 meter है, तो x1 की value minus 16 meter यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये minus minus plus हो जाएगा, ठीक है, plus 16 हो जाएगा, 16 उधर जाएगा, तो s minus 16 is equal to x2 आ गया, correct? S की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी X2 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए बेटा आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसका एरिया देखते हैं, चलो अगर आप एरिया कैलकुलेट करें बेटा, तो यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला तो ये 2 है और ये 18 है, तो 2 इंटू ये एरिया 18 मतलब ये आ गया 36, ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू बेस इज 18 माइनस 10 मतलब 8 and into height is a 4, 6 minus 2, height is 4, तो ये आ गया 4, 4 into 4, 16, तो ये वाला area 16 आ गया, फिर एक बड़े वाला triangle दिख रहा है ये वाला, इस triangle का area अगर देखें तो 24 minus 18, तो ये तो base आ जाएगा इसका 6, तो 1 by 2 into 6, into height जो वो 6 के equal है बेटा, into 6, इससे cancel out हुआ तो ये आ गया 18 हमारे पास, तो 36 plus 16 plus 18 ये value आ चुकी है, इसकी value अगर यहाँ रख दें अपन, S की value यहाँ रखें अपन, तो देखो 36 प्लस 16 प्लस 18, 16 से 16 कट जाएगा एंड 36 प्लस 18 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 54, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 36 मीटर, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला द पार्टिकल इज एट द पोजीशन ऑफ 36 मीटर, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 18 सेकंड, t बराबर 18 सेकंड पे हमसे पूछा है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है ना वो 36 मीटर है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, वो भी सेम ही हुआ, 18 सेकंड पे बात करें तो एरिया केवल इतना ही कंसीडर करना पड़ेगा अपन को, उसके अंदर ये वाला लास्ट वाला एरिया नहीं आएगा, मतलब 18 वाला नहीं आएगा जो यहां पर मैंने कैलकुलेट किया, तो केवल एरिया आएगा 36 प्लस 16, तो यहां पर 36 प्लस 16 रखना पड़ेगा आपको, 18 नहीं रखना है, तो
तो 36 प्लस 16 रखोगे और 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी बेटा। तो 18 सेकंड पर ये 36 मीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला इंटरैक्ट हो जाएगा राइट, क्योंकि 30 सेकंड पर फिर वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू। हाँ चलो हाँ एक सेकंड देखते हैं इधर, देखो द पार्टिकल इज एट द सेम पोजिशन एट द पोजिशन एट ऑफ 36 मीटर एट टी इक्वल्स टू 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड पे, 30 सेकंड कहीं यहाँ पे है, देखो अगर आप ये गौर करें तो ये वाली वैल्यू माइनस सिक्स है और ये 24 है, ये 18 है। 24 माइनस 18 भी 6 होता है और 30 माइनस 24 भी 6 होता है। इसका मतलब ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया ये कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को, इसका मतलब एरिया यही आएगा। और जब एरिया यही आएगा तो उस केस में फिर आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब 36 मीटर पर रहेगा। टी बराबर 30 सेकंड पर भी, टी बराबर 30 सेकंड पर भी पार्टिकल की पोजिशन 36 मीटर ही होगी, तो इसका आंसर बेटा फोर्थ भी सही है, ठीक है। फोर्थ भी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द बोट वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके रिवर फ्लो इस तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन मैंने कंसीडर कर ली, और रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर। ये रिवर है, इसको क्रॉस करना है अपन को ऐसे, तो देखिए द बोट क्रॉसेस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बोले तो इस रिवर को इसी डायरेक्शन में इसको क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब बोट को रिवर के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरफ इसको जो है वो चलाना है बोट को। ओके डायरेक्शन ऑफ बोट्स वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए और ये 5 है और रिजल्टेंट जो है इन दोनों का मतलब बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आनी चाहिए। दिस इज वी बी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस इज वी आर जो कि 5 गिवन अपन को, ठीक है। तो हमको यहां पर ये 5 दे रखा है और बोट की जो वेलोसिटी ये 10, ये 10 दे रखी है अपन को, दिस इज 10 राइट एंड दिस इज 5, 5 मतलब ये वाला भी कितना होगा, 5 के बराबर होगा, वेक्टर है ना ये भी 5 होगा। तो बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 5 सॉरी sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5/10 मतलब 1/2 1/2 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द बोट्स वेलोसिटी इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ नॉर्थ। ओके दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अपन को 30 डिग्री एंगल पर उसको चलाना पड़ेगा बोट को। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ बोट्स वेलोसिटी इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ बोट्स वेलोसिटी इज नॉर्थ वेस्ट, ये भी ये इनकरेक्ट है। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 5/3, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज दिस वन बेटा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज 10 cos 30। ओके 10 cos 30 and cos 30 is root 3/2, that means 5/3, resultant velocity is 5/3, मतलब second option भी इसका correct होता, ठीक है। तो ये इसके ये दोनों answer सही हैं। अब हम next question पे चलते हैं। okay, आइए। A pitch of a screw gauge is 1 mm and its circular scale is divided into 100 divisions. Okay. पिच मतलब सर्कुलर स्केल जो होता है स्क्रू गेज का, उसको अगर एक रोटेशन देंगे तो शिफ्टिंग होती है मेन स्केल पे, उसको अपन बोलते हैं पिच। एंड वन पिच इज 1 mm राइट, 1 mm और नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज स्केल आर 100 डिविजन। ओके तो 100 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा किसका, इस स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 1/100 mm, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे अपन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When nothing is put between the studs, the zero of the main scale is not seen. बेटा जब zero नहीं दिखता है main scale का, that means जो zero error है ना वो negative zero error है। और जब zero दिखता है, तो फिर वो positive zero error है। तो यहाँ पर ये negative zero error है, और ये क्या कह रहा है वो देखते हैं अपन। But when the circular scale is rotated by 450 degree, आपने circular scale को 450 degree जब rotate किया, तब फिर वो zero visible हुआ। The zero of the main scale is just visible and the zero of the main scale coincide with the zero of the circular scale. तब फिर वो zero जो है main scale का और circular scale का जो है coincide करता है। इसका मतलब इसमें 450 degree angle जब आप rotate करोगे उल्टी direction में, तब जा करके वो फिर start होगा। वहाँ से reading अपन calculate करेंगे। मतलब उतना error उसके अंदर आएगा already। तो 450 degree, 450 होता है 360 plus 90. 360 मतलब एक rotation. One rotation मतलब one pitch. One pitch बोले तो 1 mm. तो 1 mm का तो एरर है उसके अंदर, और भी है थोड़ा सा क्योंकि 450 है। तो 450 मतलब 360 प्लस 90,
90 डिग्री की बात करें तो आप ये पता है कि 100 डिवीजन हुए वो 360 डिग्री पर है, तो फिर 90 डिग्री 1/4 हो गया, 1/4 बोले तो 100 का 1/4 मतलब 25, ठीक है, 25 डिवीजन का भी एरर और है इसमें एडिशनल, और 25 डिवीजन का एरर और है, इसका मतलब वो एरर कितना आ जाएगा, 25 इंटू लिस्ट काउंट बाय 100 mm. ये बेटा नेगेटिव जीरो एरर है, और इसकी वैल्यू देख लें तो 1.25 mm, दिस इज नेगेटिव जीरो एरर. तो देयर इज अ नेगेटिव जीरो एरर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1.25, तो इसका आंसर सेकंड हो गया एक तो. और दूसरा देखो, when a glass place plate is placed between the studs, the circular scale lies between 18th divisions of the main scale and the circular scale reads 34 divisions. मतलब main scale की reading कितनी है? 18 है, ठीक है, और main scale का 1 जो division है वो 1 mm के बराबर है, that means 18 into 1 तो ये हो गया, 18 into 1 mm मतलब 18 mm तो main scale की reading होगी इसकी. अब circular scale का according reading बतानी है, तो सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितने हैं, 34, तो 34 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 1/100, तो 34/100 मतलब ये आ जाएगा 0.34 mm, ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई. उसके अलावा नेगेटिव जीरो एरर भी है हमने पास, है ना, तो हमसे ये पूछा है कि द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज दिस, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज दिस, इनमें से सही ऑप्शन देखना है अपन को. थिकनेस की बात करें बेटा तो एक बार बताइए, ये तो ये जो डिवाइस बता रहा है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आगे लेंगे, इसमें नेगेटिव जीरो एरर है. नेगेटिव जीरो एरर जब होता है तो अपन उसको मोड लेकर के उसकी वैल्यू उसके साथ ऐड कर देते हैं बेटा, तो हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ जाती है. तो ये जो नेगेटिव जीरो एरर आया था इसको ऐड कर देना इसके अंदर, तो ये देखो 18.34 प्लस 1.25 ऐड कर दोगे तो ये 9591, तो 19.59 इसकी रीडिंग आ जाएगी बेटा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. When the particles 1 and 2 are projected simultaneously, if they collide after a time t, ठीक है, एक को 160 से लॉन्च कर दिया, एक को 100 से लॉन्च कर दिया, ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल थीटा है पार्टिकल को, और डिस्टेंस x गिवन नहीं है अपन को, तो अगर ये कोलिजन करेंगे अगेन वही सेम सिचुएशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, दोनों का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड g है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन. और अगर ये कोलिजन करेंगे आपस में तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी उसी की तरफ होनी चाहिए, तब जाके वो कोलिजन कर पाएंगे बेटा. तो अगर यहां रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो देखो इसकी इस तरफ वेलोसिटी है 100 cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा 100 sin थीटा, इसका 160 cos 30, 160 sin 30, 160 sin 30 मतलब उसका हाफ 80 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 160 cos 30 मतलब 80√3, ठीक है. अब ये बताइए कि ये दोनों सेम होनी चाहिए ना, अगर कोलिजन करेंगे तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ताकि सब्ट्रैक्शन हो तो ये कट जाए आपस में, ठीक है. तो क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी है वो इसी तरफ होनी चाहिए बेटा, तब जाके वो कोलिजन करेगा. तो वेलोसिटी अगर इस तरफ है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, तो ये वाली वेलोसिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए इसके पास, तो 80 है और 100 साइन थीटा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाने चाहिए, तभी वेलोसिटी बेटा इस तरफ आएगी, इस डायरेक्शन आएगी. तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है 80 इक्वल्स टू 100 साइन थीटा, तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, इसको फर्दर और सॉल्व कर लो तो ये 4/5, तो मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया वैसे भी. द पार्टिकल्स विल कोलाइड एट एनी पॉइंट एंड टाइम विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, इनिशियल डिस्टेंस इज x, रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 80√3 प्लस 100 cos थीटा, ठीक है, 100 cos थीटा. इफ sin थीटा इज 4/5 देन cos थीटा इज 3/5, दैट मींस दिस वेलोसिटी इज 100 into 3/5, ठीक है. तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60, दैट मींस वेलोसिटी अलोंग दिस साइड, वेलोसिटी अलोंग दिस साइड इज 80√3 माइनस 60, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इस तरफ है ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इस तरफ जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आएगी 80√3 माइनस 60, ठीक है. तो ये टी टाइम बाद में अगर इससे कोलिजन करता है तो इसका मतलब टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 80√3 माइनस 60 अपॉन ये तो आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, एंड सॉरी डिस्टेंस है एक्स, डिस्टेंस एक्स है,
तो ये x डिस्टेंस x अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज 80 रूट 3 माइनस 60 ये वाली वैल्यू तो ये रिलेशन आएगा तो इसका मतलब जो टाइम है वो x पर डिपेंड कर रहा है डेफिनेटली तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है और सेकंड की बात करें तो सेकंड इसके साथ मैच नहीं हो रहा बेटा किसी भी हालत में सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और फोर्थ इसका करेक्ट होगा थर्ड एंड फोर्थ इसके सही हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइए तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स जेड प्लेन विद वेलोसिटी uxik + uyjk + uzkk + y axis इज अपवर्ड फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी एट 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल ठीक है तो वर्टिकल से 37 डिग्री जब होगी इसकी वेलोसिटी तो वो टाइम पूछा अपन से फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी एट 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल ओके तो चलिए देखते हैं देखो बेटा y डायरेक्शन ऊपर है इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन x हो गई ये वाला डायरेक्शन z हो तो xz जो डायरेक्शन है ना वो ग्राउंड पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाली वेलोसिटी जो है हमारे पास है ux uy और uz दिस इज ux दिस इज uy एंड दिस इज uz करेक्ट तो ग्राउंड के अलोंग जो वेलोसिटी है ना वो कुछ इस तरफ आ रही है देखो इन दोनों का रिजल्ट मतलब uy तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली है और ग्राउंड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर सही है ये वेलोसिटी है तो अब हम है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करते हैं तो देखो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का वो जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो वो तो uy आ जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में ux स्क्वायर प्लस और ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है किसी इंस्टेंट पे वर्टिकल से जब 37 डिग्री एंगल बनाएगी ये तब बताइए टाइम कितना आएगा ठीक है तो यहां पे वेलोसिटी मालूम नहीं है लेट कर लीजिए वेलोसिटी v है तो v का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो आ जाएगा v cos 37 ठीक है तो v cos 37 बोले तो ये आ जाएगा 4v/5 और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आ जाएगा v sin 37 मतलब 3v/5 और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम होना चाहिए मतलब 3v/5 जो है वो अंडर रूट में ux स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर के बराबर होगा ये वैल्यू आ गई हमारे पास और यहां से आप वर्टिकल कंपोनेंट वाली जो वेलोसिटी है वो रख सकते हो अगर उसको रखें अपन तो ये जो वैल्यू है वर्टिकल डायरेक्शन में वाली जो वेलोसिटी है ना वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/5 * v एंड v की वैल्यू बेटा यहां से देखो 5/3 * v आ जाएगा 5/3 इनटू में अंडर रूट में ux स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर आ गया ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया मतलब इस टाइम पर वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इतनी है हमें चाहिए टाइम अब टाइम के लिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगा दो v बराबर u प्लस at v जो है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वो यहां पर इतना है और u जो है वो uy है और एक्सेलरेशन जो है माइनस का g है ठीक है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी यहां पर मैं बना दूं ठीक है इक्वेशन देखिए v की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह मुझे रखना पड़ेगा 4/3 अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर ठीक है माइनस uy इनिशियल वेलोसिटी या बराबर uy इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt ठीक है टाइम हमें फाइंड करना बेटा यहां पर राइट टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर तो टाइम की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी आ जाएगी p इक्वल्स टू अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू आ गया 4/3 अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा uy कोई माइनस में और अपॉन में g आ जाएगा ये क्वांटिटी हो जाएगी ठीक है आप इसको मैच कर सकते हो यहां पर आंसर इज जो है वो आ जाएगा बेटा फर्स्ट भी करेक्ट है वैसे सेकंड थर्ड भी इसका करेक्ट है 3uy माइनस 4 अंडर रूट ux के प्लस uz स्क्वायर बाय 3g ठीक है ये सही है थर्ड करेक्ट है लेकिन उसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल है हो सकता है देखो जब पार्टिकल u जाएगा ना u तब भी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब ये 37 डिग्री बना सकता है वेलोसिटी
जब वापस आएगा नीचे, तो वापस आने वाला पॉइंट भी हमें कंसीडर करना है यहाँ पर। वापस जब आएगा बेटा तो इस वाली वेलोसिटी और इस वाली वेलोसिटी में फर्क बस इतना ही होगा, वो ऊपर की तरफ लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और जब वापस आएगा तो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जब नेगेटिव होगी तो जी टी इधर लेके आओगे तो ये इधर लेके जाएंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर टाइम प्लस में भी आएगा, प्लस एंड माइनस दोनों ही आएंगे बेटा वैल्यू। इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड तीनों की तीनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो सकता है इसमें। तो आप ये देखें कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, बेटा इसका मतलब ये तीनों के तीनों ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, ठीक है, और ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ये लेंथ अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये कंफर्म है कि जो सी है ना वो मैक्सिमम वैल्यू जो है सी की वो ए प्लस बी हो सकती है, क्योंकि इन तीनों का रिजल्ट जीरो है ना, तो सी की मैक्स वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो है बेटा वो ए माइनस बी और बी माइनस सी, इनमें जो भी ग्रेटर होगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो ए प्लस बी जो है वो सी से ज्यादा होना चाहिए डेफिनेटली, तो फर्स्ट करेक्ट है, या बराबर भी हो सकता है। ए माइनस बी जो है वो सी से छोटा होना चाहिए, ऑब्वियसली ए माइनस बी लिया इसने, बी माइनस ए कहीं लिया नहीं है, तो इसको अपन करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, सी से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो ए माइनस बी है उससे ज्यादा होगी सी की वैल्यू। थर्ड कह रहा है ए प्लस बी बराबर सी, क्या ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। एंड फोर्थ देखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, ये भी हो सकता है, देखो मिनिमम वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, ये वाली ऑप्शन भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके करेक्ट आंसर है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इन ए रेगुलर हेक्सागन शोन इन द फिगर AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ओके, तो ठीक है, देखिए इस रेगुलर हेक्सागन को ऐसा बना, रेगुलर हेक्सागन की जो ज्योमेट्री है वो अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखो बेटा, दिस इज ए बी सी डी ई एफ, ये सेंटर पॉइंट होगा, और हमसे पूछा है कि ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर ये वाला वेक्टर एंड प्लस ए एफ वेक्टर, वो किसके इक्वल, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन में ये जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं बेटा, रेड वाले जो जितने भी ट्रायंगल्स दिख रहे हैं वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इसमें थोड़ी सिमेट्री होती है, ये सारे एंगल 60 60 60 60 बराबर होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई ए बी वैक्टर ये है, ये ए सी वैक्टर है, और इसको मैं अगर वैक्टर बना दूँ यहाँ पर, तो जो ए सी वैक्टर है ना वो ए बी वैक्टर और ए ओ वैक्टर का वैक्टर सम है, मतलब ए ओ वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर एसी वेक्टर होगा, ठीक है। उसके अलावा एडी वेक्टर बोले तो एडी वेक्टर को आप लिख सकते हो टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि इसका जस्ट डबल होता है, तो टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है एडी वेक्टर। एई वेक्टर को देखो आप, एई वेक्टर जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, एओ वेक्टर प्लस एएफ वेक्टर, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन सब का जो वेक्टर सम है, कौन कौन से वेक्टर का, ए बी वेक्टर का प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ये कितना आएगा, चलिए देखते हैं। ए बी वेक्टर को एज इट इज रख दिया मैंने, प्लस AC वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ AO वेक्टर प्लस AB वेक्टर, AB वेक्टर आ रहा है ना इसमें एक एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 2 AB वेक्टर और प्लस में AO वेक्टर आ गया, AC को भी सेट कर दिया। नेक्स्ट है AD वेक्टर, AD वेक्टर को लिख सकता हूँ 2 AO वेक्टर, चलो इसको 2 AO वेक्टर लिख देते हैं। फिर AE वेक्टर, देखो AE वेक्टर को लिख सकता हूँ AO वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ये रख दूंगा और प्लस में AF वेक्टर हो रहा है, इसका मतलब AO वेक्टर आ गया प्लस 2 AF वेक्टर आ जाएगा यहाँ। अब ये 1AO, 1AO एंड 2AO, तो ये आ जाएगा 4AO
प्लस ये 2ab एंड 2af, तो इसमें 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ab प्लस af, ab वेक्टर इधर है और af वेक्टर इधर इस तरफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो पक्का ao वेक्टर होगा। अगेन पैरेललोग्राम बन रहा, देखो तो इसका मतलब इस ao एंड af को का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, ao के बराबर आ जाएगा। तो 2ao एंड 4ao कितना आ गया, 6ao, तो आंसर इज 6ao। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है। उसके अलावा AO में, ठीक है AO में दो हैं तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी AD में भी दे रखा है इसमें, तो AD बताइए जरा, AD तो AO का 2 टाइम्स है ना, AD AO का 2 टाइम्स है, इसका मतलब 6 AO को मैं लिख सकता हूं 3 AD वेक्टर, तो इसका आंसर 3 AD भी हो जाएगा, मतलब ये वाला 6 AO करेक्ट है एंड 3 AD भी करेक्ट है बेटा, ये दोनों आंसर सही है इसके। नेक्स्ट चलते हैं, इंटीजर, द डायपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल r सबटेंडिंग एन एंगल π/2 एट इट्स सेंटर वेयर अनदर चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड इज n root 2 q r by π, फाइंड n, n की वैल्यू पूछिए हमसे। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखिए हमको ये दे रखा है एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और ये बेटा पाई बाई टू एंगल बना रहा है सेंटर पर, है ना, इस पे चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट है, वो यहां पर इसने का हुआ है कि माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज और इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पर, पूरी सर्फिस प्लस क्यू चार्ज। तो इन दोनों के सिस्टम से जो डायपोल मोमेंट बनेगा ना, डायपोल जो बनेगा उसका डायपोल मोमेंट अपन को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, देखिए यहां से मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, देखिए ठीक है, इस एलिमेंट पे थोड़ा सा चार्ज आएगा डी क्यू आया, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके okay, और इस पर चार्ज डी क्यू लिया है, तो ये जो माइनस क्यू आपको नजर आ रहा है, इस माइनस क्यू में भी मैं माइनस का डी क्यू चार्ज कंसीडर कर देता हूँ, क्योंकि इस पर पूरे पे चार्ज क्यू है और इस पर है माइनस क्यू, तो अगर मैं इस पर मैंने इस एक एलिमेंट लिया डी क्यू चार्ज का, तो इसमें भी मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर कर सकता हूँ माइनस डी क्यू, तो माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू का डायपोल मोमेंट बनेगा, वो भी किस तरह बनेगा, इसी डायरेक्शन बनेगा, इस तरह बनेगा ना, उसको मैंने इधर ड्रॉ कर दिया इसे, इस डायपोल मोमेंट को मैंने लिख दिया dp, एंड dp बहुत ही सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज इनटू में लेंथ ये वाली, और लेंथ ये जो है रेडियस के बराबर है, r के बराबर, तो dp जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला एंगल जो dp का है इस x एक्सिस साथ थीटा है। अच्छा dq की वैल्यू देखो, इस पूरे सर्कुलर आर्क पे चार्ज q है, और ये जो आर्क है ये पाई बाई टू एंगल बना रहा है यहां पर, इसका मतलब पाई बाई टू एंगल पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, q यूनिट पे कितना आएगा, q by pi by 2, यूनिट पे q by pi by 2 आ गया ना यूनिट पे, तो फिर बताइए d थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चार्ज आएगा, तो 2q d थीटा अपॉन में pi, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज dq की वैल्यू यहां रख दूंगा मैं, तो देखो कितना आया, देखो 2q r d थीटा अपॉन में pi, ये डायपोल मोमेंट आ गया। अब जब डायपोल मोमेंट आपके पास आ चुका है, तो इसके हम x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों कंसीडर कर सकते हैं यहां पर, तो बेटा x कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा, this is dpx and which is equal to dp into cos theta, dp की वैल्यू हमारे पास 2 qr by pi into cos theta और d theta आ गया, आ गया x डायरेक्शन में, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास x डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या लगाऊंगा, 0 से pi by 2 पूरा ये कवर हो जाएगा r, तो 2 qr by pi इंटीग्रेशन ऑफ cos theta sin theta अपर लिमिट इज pi by 2 बन जाएगा, ये x डायरेक्शन में आ गया। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर डायपोल मोमेंट लूं मैं, तो dpy उसमें क्या आ जाएगा, dp into में sin थीटा आ जाएगा y डायरेक्शन कंपोनेंट, तो dp कितना है बेटा 2qr by pi, और ये आ जाएगा sin थीटा into d थीटा, अगेन आप इंटीग्रेट कर दो, y डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाएगा इसका, डायपोल मोमेंट आ जाएगा, और लिमिट लगा दोगे 0 से pi by 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, अपर लिमिट लगा दो cos pi by 2 0 माइनस cos 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, देखो एग्जैक्टली सेम आएगी,
तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट का x कंपोनेंट 2qr by pi r है और y कंपोनेंट भी 2qr by pi r है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का, इफेक्टिव जो है, वो जो वैल्यू है बेटा, वो किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके अंडरूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√2qr/pi। तो देखते हैं, चलो 2√2qr/pi, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज पाई बाय n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर कर लिया, एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो थीटा कंसीडर कर लिया, पाथ कुछ ऐसा आएगा इसका, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी u cos थीटा के इक्वल है, एंड मैक्सिमम हाइट हम कैपिटल h कंसीडर कर लेते हैं, h by 2 हाइट पर इसकी वेलोसिटी v dash कंसीडर कर ली, दिस हाइट इज h by 2, ओके, और हमें ये भी गिवन है कि u cos थीटा जो है वो √2/5 टाइम्स ऑफ v डैश है, तो यहां से v डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5/2 u cos थीटा, ये v डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी ½ m v² है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूं, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी है ½ m u² cos² थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी m g और हाइट आ जाएगी h/2, दिस हाइट इज h/2, ओके, m कैंसिल आउट हो जाएगा, v डैश की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 u² cos² थीटा by 2 and 2 4 हो जाएगा, ये is equal to, यहां पे आ गया u² cos² थीटा by 2 plus g by 2, h maximum height है, u² sin² थीटा by 2g, ये g से g cancel out हो गया, यहां से इस 2 को out कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 हट जाएगा, और 5 u² cos² थीटा, अच्छा u square भी चला जाएगा इसमें से, तो 5 cos² थीटा by 2 minus cos² थीटा, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 3/2 cos² थीटा, और इस तरफ आ जाएगा sin² थीटा by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 cos² थीटा = sin² थीटा, दैट मींस 3 = tan² थीटा, tan θ = √3, then theta equals to pi by 3, then n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 3, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g, एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग with velocity 5 meter per second horizontally in the opposite directions from a height, the distance between them in meter at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular will be, okay, तो question ये है कि एक point से आपने दो particle को launch किया, एक particle को इस तरफ और एक particle को इस direction में, right, opposite directions में, ठीक है, velocity अपन को 5 meter per second दे रखा है इसका, इसका भी 5 है, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस टाइप से होगी और इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस टाइप से होगी, कुछ टाइम बाद में ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन होगी और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन होगी, सिमेट्रिकल है सिस्टम, 5-5 की स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री कब होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, सिमेट्रिकल बन रहा है एकदम, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 आना चाहिए और ये वाला एंगल भी 45 आना चाहिए, हाँ अगर ये दोनों वेलोसिटी अलग-अलग होती तो उस केस में एंगल डेफिनेटली
अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पीड दोनों की सेम है तो सिमेट्रिकली आप बोल सकते हो ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, मतलब इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी 45 आएगा, वर्टिकल के साथ भी एंगल भी 45 आएगा। अब ये चेक करना है कि कितने टाइम बाद होता है और वहां से अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं। और हमसे पूछा है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी उस समय, ये वाला डिस्टेंस पूछिए, तो हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करके इसका डबल कर देंगे तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो 45 डिग्री एंगल पे अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो ये तो 5 के बराबर ही आएगी, और ये 45 इसका मतलब ये भी 5 के बराबर आना चाहिए। और इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन केवल 10 है जी, तो वर्टिकल डायरेक्शन इसके पास 5 आ जाएगा और हॉरिजॉन्टली 5 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पर पक्का 45 डिग्री एंगल बनाएगी। इसका मतलब v equals to u plus at and u in this direction is 0 and a is a g into time t, और ये जो v है ये v की वैल्यू आपको क्या रखना है 5 करना है, 5 बराबर 10 t, then t equals to आ गया हमारे पास 1/2 second, तो भी t 1/2 second है हमारे पास, तो ये जो डिस्टेंस चलेगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना चलेगा, स्पीड इज 5 एंड टाइम इज 1/2, इस डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, स्पीड into time is 1/2, 5/2, and this is also 5/2, 5/2 plus 5/2 is 5 meter, the answer is 5 meter, ठीक है? Question number 4 पे चलते हैं हम, okay, question number 4, a particle moves with a constant velocity 5i cap plus 2j cap, if 2 second after t equals to 0, it passes through point with position vector this, okay, मैं पहले data लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वेलोसिटी अपन को दे रखी है यहां पर 5i cap plus 2j cap, और t बराबर 0 पे पोजीशन हमें मालूम नहीं है, है ना, पोजीशन t बराबर 0 पर जो है वो दे नहीं रखी है अपन को, लेकिन t बराबर 2 सेकंड बाद में जो पोजीशन है उसको मैं r2 लिख देता हूं, और r2 हमें दे रखा है माइनस का 16i cap माइनस का 320j cap, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आफ्टर t = 0 व्हेन इट क्रॉसेस x एक्सिस इज गिवन एज 160 plus n, देन n विल बी एक्सेलेरेशन 0, तो ये कह रहा है कि x एक्सिस को जब ये क्रॉस करेगा, ठीक है, कितने टाइम पर क्रॉस करेगा, t बराबर 0 के बाद में कितने टाइम पर क्रॉस करेगा, वो टाइम है 160 प्लस n, तो n की वैल्यू आपसे पूछी है यहां पर, ठीक है, और एक्सेलेरेशन नहीं है यहां पर, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हम t बराबर 0 पे, ये t बराबर 2 सेकंड पे था, मतलब यहां पर टाइम कितना रखना है t बराबर 2, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली आप लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू में टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस देखें अपन, तो पोजीशन वेक्टर यहां पर है r2 वेक्टर माइनस r0 वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 5i cap प्लस 2j cap एंड टाइम इज 2 सेकंड, r2 वेक्टर इज माइनस 16i cap माइनस 320j cap माइनस r0 वेक्टर इज इक्वल टू 10i cap प्लस 4j cap, देन r नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, r नॉट को चले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस पर ले आइए नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 26 i cap और ये आ जाएगा माइनस का 324j cap, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। अब हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद में ये जो पार्टिकल जो है वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उस समय, 0 हो जाएगा, तो मतलब y कोऑर्डिनेट इस इंस्टेंट पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना, देखिए ये वाला पार्ट इनिशियल y कोऑर्डिनेट, और फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट नहीं मालूम हमें, इसका मतलब जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस समय इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r वेक्टर है, तो r वेक्टर मैं लिख सकता हूं xi cap + 0j cap, ठीक है, 0j cap, तो टाइम कितना लगेगा t मान लीजिए, तो r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इनटू t, और t की वैल्यू हमसे पूछी है यहां पर, r वेक्टर जो है उसको लिख सकता हूं माइनस 26 i कैप माइनस 324 j कैप, ठीक है, और माइनस r नॉट वेक्टर, r नॉट वेक्टर इज x i कैप माइनस 0 j कैप, ठीक है, इज इक्वल टू v वेक्टर, v वेक्टर इज 5 i कैप प्लस 2 j कैप इनटू टाइम t। अगेन अगर आप ये देखो तो ये दोनों तो साइड में आई कैप वाले साइड में हो जाएंगे, और ये जे कैप वाला कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 324 जे कैप, और यहाँ पर अगर जे कैप देखें अपने तो ये आ जाएगा 2t जे कैप,
आई कैप वाले पार्ट भी आएंगे, लेकिन अगर हम जे कैप वाले पार्ट को कंपेरिजन करें तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बराबर आ गया यहां टाइम की वैल्यू जो है, हाँ मैंने आर वेक्टर उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये वाला भी प्लस हो जाएगा और ये वाला हटा दो, चलो ये प्लस आ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 324 बाय 2। यहां से अगर आप सॉल्व करो तो 1, ये 6, ये 2, 162, और 162 और इसमें पूछा है 160 प्लस n, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 2 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवर कैम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए, तो इक्वल्स टू 60 मिनट later it turned back and after some time met the raft at a distance l equals to 6.0 km from the point A. Find the flow velocity in kilometer per hour assuming the duty of the engine to be constant. Okay, तो next page पे चलते हैं। देखो ये river है बेटा, और river flow जो है वो मान लेते हैं vr, और मोटर बोट की जो स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसको मैं VBR मान लेता हूं, ठीक है। मोटर बोट की जो वेलोसिटी है, जो मोटर बोट किसी पॉइंट से ए पॉइंट से एक राफ्ट से मीट करती है, ठीक है, ठीक है, और राफ्ट जो है वो पानी में फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोट हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी वो एग्जैक्टली VR के बराबर होगी, वो पानी के साथ साथ बहेगा। और जो बोट है ना, बोट की जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू वाटर VBR मान लें, तो फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी VBR प्लस VR, अगर वो डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो ये जो बोट है ये बोट इधर जाएगी, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस तक गई है, तो उस दौरान ये जो राफ्ट है ये राफ्ट भी आगे की तरफ मूव करेगी, किस वेलोसिटी से, VR से, और जो बोट इस तरफ जा रही है बोट की वेलोसिटी है VBR प्लस VR, ठीक है। और ये कितने टाइम तक ये चलती है बोट, ये चलती है 1 आवर तक, 60 मिनट बना के लिए चली, फिर बाद में ये बोट यहां से टर्न लेती है, वापस आती है, तो वापस आएगी तो अब जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो VBR माइनस VR हो जाएगा बोट का, और फिर ये जो राफ्ट है ये तैरते हुए यहां तक आ रही है, इसको यहां पे बना देता हूं मैं, यहां तक आएगी, यहां पे मीट कर जाएगी, और ये हमको दे रखा है ये जो डिस्टेंस है वो l = 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां पर ये मिल जाती है, तो इसका मतलब जो राफ्ट है वो राफ्ट तो VR स्पीड से चल रही है, और जो बोट है जाते टाइम तो VBR प्लस VR, और आते टाइम कितनी स्पीड होगी इसकी, VBR माइनस VR, तो ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो है वो x के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये 6 है तो ये वाला डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x माइनस 6, तो बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी VBR प्लस VR है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है VBR प्लस VR वो पक्का डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, x अपॉन टाइम 1 है, ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके अलावा अगर हम इस राफ्ट के लिए बात करें तो राफ्ट जो VR स्पीड से चल रही है और ये 6 किलोमीटर चलेगी, तो VR जो है वो सिंपल आ जाएगा 6 बाय टाइम। अब टाइम की बात करें तो यहां से यहां तक जो टाइम है वो तो 1 आ रहा है, अब यहां से यहां तक जो बोट को जो टाइम लगता है वो टाइम मैंने मान लिया टी है, ये वाला टाइम, बोट जब यहां से यहां तक आएगी तो 1 आवर टाइम लेगी, और फिर यहां से यहां तक जो टाइम लेगी वो टी टाइम है, तो टोटल टाइम कितना आया 1 प्लस टी आर, और उसी सेम टाइम में राफ्ट जो यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो राफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो वी आर इक्वल टू 6 बाय 1 प्लस टी प्लस 1 या 1 प्लस टी, ठीक है, तो वी आर इक्वल टू 6 अपॉन में 1 प्लस टी, तो मतलब इसको लिख देंगे अपन वी आर 1 प्लस टी इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। और दूसरा बोट जो है वो इस तरफ जा रही है और ये डिस्टेंस x माइनस 6 चलेगी, तो डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन दिस डायरेक्शन इज VBR माइनस VR, और टाइम कितना लगा यहां पर t, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन है बेटा, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो VR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। A projectile is given an initial velocity u equals to 2 i cap plus j cap meter per second. The Cartesian equation of its trajectory is g equals to 10 meter per second square. Equation of trajectory आपको 8y is equal to ax minus bx square given है. तो y equals to यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? a by 8 x minus b by 8 x square. अगर आप इसको standard equation से comparison करें तो y equals to 10 theta x minus
जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ए बाय एट, टेन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड योर वेलोसिटी इज टू आई के प्लस जी के, वेलोसिटी दिस इज टू दिस इज वन, देन वेलोसिटी इज अलोंग दिस साइड, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन टेन थीटा फ्रॉम दिस वेलोसिटी डायग्राम tan theta is perpendicular by base 1 by 2, tan theta is 1 by 2 and here 1 by 2 is a by 8, 1 by 2 is a by 8, then a equals to again 4, ठीक है, इस वजह से, और b by 8 जो है वो g upon में 2 u square cos square theta के equal है, तो ये b by 8 रख दो, g की value 10 रख देते हैं, चलो upon में 2 u square cos square theta, right, ये value है यहाँ पर, और u cos theta is a x component which is 2, तो ये पूरा का पूरा यहां पर 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 into 2 8, 8 से 8 हट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 10 आ गया, राइट right? तो आपसे पूछा है यहां पर कि a plus b की वैल्यू कितनी है, तो a plus b की वैल्यू आ जाएगी 14, राइट right? 10 plus 4 14 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, a particle is projected along an inclined plane as shown in the figure, what is the component of component of velocity perpendicular to the plane when it strikes at a, a per velocity ka perpendicular component kitna hai, to ye line pe aapne isko project kiya to velocity ka is inclined plane ke along jo component aayega wo 10 cos 30 aa jayega and 10 cos 30 is 5√3 and vertical jo component hai plane ke perpendicular jo component hoga wo 10 sin 30 aa jayega aur 10 sin 30 is 5, to ye velocity kuch is type se hai। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो अगर आप ये देखें तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन 30 आएगा, जी साइन 30 मींस जी बाय 2, और इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का जी कॉस 30 जी रूट 3 बाय 2। इस पॉइंट पर अगर हमसे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछे, ये वाला इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जितना है ना उतना ही सेम कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, vy मतलब ये वाला डायरेक्शन मैंने y मान लिया, तो y डायरेक्शन में जब पार्टिकल जब यहां से स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जीरो, तो ये s जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर, तो vy इक्वल्स टू uy बट नेगेटिव है क्योंकि इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी एग्जैक्टली 5 को रिप्रेजेंट करेगी, आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एट व्हाट एंगल अल्फा, एंगल अल्फा पूछा आपसे, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिग्री शुड द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू गेट द मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ओके, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये वाला एंगल सपोज थीटा दे रखा आपको और आपको ने यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया और ये वाला एंगल फाई है, तो यहां पर ये पार्टिकल स्ट्राइक करता है बेटा, ये रेंज r है, r की मैक्स वैल्यू के लिए फॉर r मैक्स, r की मैक्स वैल्यू के लिए जो फाई है ना फाई, फाई की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 होना चाहिए, ये r की मैक्स वैल्यू के लिए, यहां पर थीटा 30 डिग्री है राइट, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज 45 एंड 30 बाय 2 इज 15, 45 माइनस 15 इज 30 डिग्री, देन दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, ये तो 30 था ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब जो आपसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, ओके, थैंक यू।